हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल अबाउट क्रिकेट में। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है, या यूँ कह सकते हैं कि भारतीय टीम के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उन सभी के लिए काफ़ी बुरी खबर है। मयंक अग्रवाल प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हो गए हैं, और चोटिल इतना हुए हैं कि मतलब चोट इतनी गंभीर है कि वो पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान मोहम्मद सिराज की बाउंसर उनके सर पे लगी, और ऐसी बाउंसर लगी कि जो फोटोज़ निकल के आए उस चोट के बाद, तो उसमें ये दिख रहा था कि किसी भी टाइम वो अपने सर से हाथ नहीं हटा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि चोट कितनी गंभीर लगी है। हालांकि बाद में बीसीसीआई ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि चोट के कारण फिलहाल मयंक अग्रवाल पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। तो समझ सकते हैं कि आप चोट कितनी गंभीर हो सकती है। एक तो भारतीय टीम पहले से ही चोटिल खिलाड़ियों को लेकर जूझ रही थी। आपको याद होगा, हमने एक वीडियो में बताया था कि इससे पहले शुभमन गिल, आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर, ये तीनों भी इंजर्ड होकर टीम इंडिया से बाहर हो चुके थे, मतलब इंग्लैंड के दौरे से बाहर हो चुके थे। वॉशिंगटन सुंदर को मोहम्मद सिराज की ही बॉल लगी थी प्रैक्टिस मैच के दौरान, जब मैच हो रहा था तब उनके अंगूठे में बॉल लग गई थी, और अब फिर से ही मोहम्मद सिराज की बॉल मयंक अग्रवाल के सर पे लगी है। चोटिल होने के बाद अब सबसे बड़ी समस्या यह आ गई है कि अब रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि सबसे मेन कंटेंडर तो मयंक अग्रवाल ही थे। इसके बाद अगर आप देखें किसी अन्य ओपनर को, तो वो सिर्फ अभिमन्यु ईश्वर ही है पूरी टीम में, इसके अलावा फिलहाल कोई नहीं है। यहाँ पर बात ये भी आती है कि केएल राहुल के साथ भी ओपनिंग करवाई जा सकती है, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस मैच के दौरान एक शतक भी लगा है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। बींग एज ए ओपनर कंसिस्टेंट नहीं है, वो नीचे के ऑर्डर में खेलते हैं, उनको ऊपर ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, या वो नहीं भी खेलते हैं असहज महसूस करते हैं, क्योंकि वो ऐसी बीच में ऐसी बातें निकल कर आ रही थी कि नया बॉल फेस करने में उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं, अब देखिए, जो प्लान ए था तो वो तो यहाँ से फिलहाल फर्स्ट टेस्ट के लिए आपका ख़त्म हो चुका है। अब प्लान बी क्या है, उस पर ज़रूर टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई इस पर देख रही होगी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि अब अगर रेगुलर ओपनर के तौर पर आप देखिए तो रोहित शर्मा के साथ सिर्फ अभिमन्यु ईश्वरन है। इसके अलावा आप दूसरे विकल्प के तौर पर अगर आप जाना चाहेंगे तो केएल राहुल के पास जा सकते हैं, या एक और विकल्प हो सकता है हनुमा विहारी के रूप में। लेकिन इन दोनों, जो दो ये विकल्प हैं केएल राहुल और हनुमा विहारी का, ये रेगुलर नहीं। इन दोनों खिलाड़ियों को आपने अभी तक ओपनिंग करते हुए नहीं देखा होगा। राहुल केएल राहुल को आपने देखा भी होगा, लेकिन हनुमा विहारी को आपने नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या टीम मैनेजमेंट और टीम के सामने यही आ गई है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा। आज हो गई है 2 तारीख, और 2 दिन बाद ही इंग्लैंड के साथ पहला टेस्ट मैच है। इसके अलावा शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पे सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड भेजा गया है, लेकिन कृणाल पांड्या के श्रीलंका में कोरोना पॉजिटिव निकलने के कारण उनके साथ संपर्क में पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव सहित 8 खिलाड़ी आ गए, जिसकी वजह से इन सभी खिलाड़ियों को फिलहाल श्रीलंका में ही आइसोलेशन में डाल दिया गया है। हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि अगर सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ दोनों ही इंग्लैंड के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। पहले तो इधर इनका 5 तारीख को आइसोलेशन पूरा होगा श्रीलंका में, उसके बाद वो इंग्लैंड के दौरे पर जाएंगे, तब जाकर के वहाँ पर उन्हें 10 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। उसके बाद 3 दिनों तक इनका कंटिन्यू कोरोना टेस्ट होगा, उसमें इनको नेगेटिव रिपोर्ट करना है, उसके बाद ही ये टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट तो जाएगा, साथ साथ दूसरा टेस्ट भी जाएगा इन दोनों ही खिलाड़ियों का। ये दोनों खिलाड़ी 2 टेस्ट नहीं खेल सकते। उसके बाद ये क्या कंडीशन बनती है वो देखने वाली बात होगी, वो तब की बात है, वो अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो अगर आप ओपनर के तौर पे देखें तो इसमें पृथ्वी शॉ ओपनिंग कर सकते थे, उन्होंने किया भी है, शिखर धवन के साथ पहले वो कर चुके हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय टीम के पास प्लान बी क्या रेडी है, क्योंकि उनके पास अगर आप रेगुलर कंटेंडर के तौर पे देखेंगे तो अभिमन्यु ईश्वरन ही सिर्फ एकमात्र ओपनर है। इसके अलावा वो केएल राहुल की तरफ देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा, क्या प्लेइंग 11 बनेगी, इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।